सेक्टर इंटरलिविंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. दिस इज अनदर टॉपिक नोन एज द सेक्टर इंटरलिविंग. क्या होता है सेक्टर इंटरलिविंग का मतलब है कि जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क है, लाइक दिस इज द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क का प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये सारे क्या हैं, ट्रैक्स हैं. ऑल दीज आर द ट्रैक्स. नाउ यू सी हियर दीज ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्टर्स. सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड करा गया है. आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये आउटर मोस्ट ट्रैक है, दिस इज द आउटर मोस्ट ट्रैक, ये वाला जो बाहर वाला ट्रैक है, दिस इज द आउटर मोस्ट ट्रैक. इस ट्रैक के ऊपर सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते हमारे पास कितने हैं सेक्टर्स हैं, 17 सेक्टर्स यहाँ पर हमने ड्रॉ करे हैं. मतलब ये हार्ड डिस्क के ऊपर 17 सेक्टर्स बने हुए हैं. और इसके अंदर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मेरी हार्ड डिस्क का कंट्रोलर, अगर हार्ड डिस्क का कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पे रीड करता है इन 17 के 17 ट्रैक्स को एक राउंड के अंदर इनको रीड करता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि द सेक्टर इंटरलीविंग फैक्टर, द सेक्टर इंटरलीविंग फैक्टर इज 1:1. क्यों 1:1 है, मतलब 1 के बाद 2 को कर रहा है, 2 के बाद 3 को कर रहा है, 3 के बाद 4 को, 5 को, 6 को, सो ऑन सो ऑन लाइक दिस. इज इट क्लियर? तो इसको हम सेक्टर इंटरलीविंग फैक्टर बोलते हैं, विच इज नोन एज 1:1. बट 1:1 रखने से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती. क्यों? उसका हमारे पास एक रीजन है. हम एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझेंगे. लेट अस सपोज दैट द साइज ऑफ वन सेक्टर, एक छोटे से सेक्टर का मेरे पास जो साइज है वो 512 बाइट्स है, ठीक है. और अगर यहाँ वन से ये हार्ड डिस्क शुरू होती है वन सेक्टर से, और ये रोटेट करते करते 17 सेक्टर्स को रीड करती है इकट्ठा, जो कि एक ट्रैक पर है. टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑन वन ट्रैक 17 हैं. तो वन राउंड के अंदर कितना डेटा ट्रांसफर करा जाएगा रीड राइट हेड के थ्रू, आरडब्ल्यू हेड जो है वन राउंड के अंदर ड्यूरिंग द रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, रीड राइट हेड के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर करा जाएगा, मतलब कि रीडिंग भी या राइटिंग भी कितनी परफॉर्म करी जाएगी. 512 का एक सेक्टर है, 512 बाइट्स का, मल्टीप्लाई बाय 17 टोटल सेक्टर्स है, 8704 बाइट्स. मतलब कि हम ये मान करके चल सकते हैं कि कुछ 8.2 KB जो है, 8.2 किलोबाइट्स जो है, सॉरी 8704 बाइट्स है. तो हाँ, 8.2 किलोबाइट्स हमारे पास डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है. बट यहाँ पर अगर मेरा जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर जो कि रीडिंग या फिर राइटिंग, कंट्रोलर जो कि हमारा सर्किट लगा हुआ है जो कि रीडिंग या फिर राइटिंग परफॉर्म करता है, कंट्रोलर हमारे पास 8704 बाइट्स रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. अगर मेरा कंट्रोलर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस इतना ज्यादा 8.2 किलोबाइट्स या फिर 8704 बाइट्स एक राउंड के अंदर रीड राइट ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करता कर सकता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे. क्यों ना ऐसा करें, 1 के बाद हम 3 को करें, 2 को छोड़ दें, 3 के बाद हम 5 को करें, 4 को छोड़ दें, लाइक दिस. तो इस तरीके के मेथड, मतलब कि जिसके अंदर हम लेसर नंबर ऑफ सेक्टर्स को ट्रैवर्स करें फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस इन वन राउंड, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर इंटरलीविंग बोलते हैं. यही मेथड यहाँ पे बताया, यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में लिखा, इट इज अ गैप बिटवीन द टू कॉन्टिन्यूस सीरियल नंबर सेक्टर्स. एक गैप है दो कॉन्टिन्यूस सीरियल नंबर सेक्टर के बीच में ट्रैवर्सिंग करने के लिए, उसको हम सेक्टर इंटरलीविंग बोलते हैं. या फिर आगे में यहाँ पर लिखा गया है, ट्रैवर्सिंग फ्यूअर नंबर ऑफ सेक्टर्स कैन बी मेड पॉसिबल. कैसे पॉसिबल हो सकता है, व्हेन वी लीव सेक्टर्स एंड नॉट रीड राइट ऑल सेक्टर्स सीरियली. जब हम कुछ सेक्टर्स को बीच में छोड़ दें, जैसे मैंने अभी बताया, 1 के बाद 2 को छोड़ दें, 3 को लें रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, व्हेन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड सो दैट द कंट्रोलर कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज नोन एज सेक्टर इंटरलीविंग. इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर इंटरलीविंग. इसको हम एक और एग्जांपल के साथ आगे अभी हम समझने जा रहे हैं. आई थिंक यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बट आगे हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ भी आपको आगे बता रहे हैं, राइट. तो आगे हमने सेक्टर इंटरलीविंग का आपको और बताने जा रहे हैं एक एग्जांपल लेकर के. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, मैंने अभी यहाँ पे क्या करा, ये ट्रैक्स जैसे बने हुए हैं,
इसके अंदर सेक्टर नंबर वन है। सेक्टर नंबर वन के बाद मेरा कंट्रोल जो सेक्टर रीड करा जाएगा, छह सेक्टर्स को छोड़ करके सेक्टर को रीड करा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सेक्टर नंबर वन, ये सेक्टर नंबर टू है, लेकिन इसको रीड नहीं करना, किसको सीधा रीड करेंगे, इसको। कैसे? 1:6 इंटरलीविंग फैक्टर रखा गया, मतलब कि छह सेक्टर बीच में छोड़े। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला सेक्टर को रीड करा सेकंड, उसके बाद फिर अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला सेक्टर को रीड करा लाइक दिस, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला सेक्टर को रीड करा लाइक दिस। तो ये मेथड हमारे पास है। अगर आगे भी आप इसको करना चाहो तो कैसे करोगे आप इसको? 3 के बाद 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको रीड करा जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको रीड करा जाएगा। तो ये मेथड है कि मतलब 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 7, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये 1:6 मतलब कि 6-6 सेक्टर्स को छोड़ करके रीड करा जा रहा है। एक रेवोल्यूशन में पूरे के पूरे 17 सेक्टर्स जो कि अभी हमने पहले बताए थे, वो सारे के सारे 17 सेक्टर्स आपको रीड नहीं करने हैं, बिकॉज कंट्रोलर आपका इतना सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और भी एग्जांपल लिया कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1:6 हमने क्या करा, 3-3 सेक्टर्स को छोड़ करके करा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 के बाद 1, 2, 3 ये सेकंड सेक्टर के ऊपर गए, मतलब सेकंड सेक्टर ये वाला रीड करा हमने, उसके बाद 1, 2, 3 ये वाला सेक्टर रीड करा थर्ड, मतलब कि ये सेक्टर नंबर नहीं है, मतलब कि ये हमने ये वाला सेक्टर थर्ड रीड करना है, मतलब दिस इज द सीरियल नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद 1, 2, 3 फिर उसके बाद ये वाला सीरियल नंबर सेक्टर रीड करा हमने, फिर उसके बाद 1, 2, 3 ये वाला सेक्टर नंबर रीड करा लाइक दिस। और इसके बाद भी अगर आपने कंटिन्यू आपने करना है तो 7 आएगा, तो कहाँ आएगा, 1, 2, 3 तो 7 हमारे पास यहाँ पर रीड होगा, उसके बाद 1, 2, 3 8 जो है यहाँ पर होगा। इसी तरीके से आपका जो है ये रेवोल्यूशन जैसे चलता जाएगा, एक रेवोल्यूशन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ही रीड करे जाएंगे। अगर 1:3 है तो, अगर 1:6 है तो सिर्फ 3 ही करे जाएंगे, 1, 2 and 3 या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 17 सेक्टर्स है तो 17 divided by 3 तो अप्रॉक्सीमेटली रेशियो उतनी ही निकल के आएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लेकर बता दिया भाई कि इंटरलीविंग फैक्टर को हम अगर यूज करते हैं, वी कैन मैनेज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोलर। इंटरलीविंग यूजिंग द इंटरलीविंग फैक्टर हम मैनेज कर सकते हैं कंट्रोलर की कैपेसिटी को। लेट द कंट्रोलर कैपेसिटी इज 2 किलोबाइट्स की अगर कैपेसिटी हमारे पास कंट्रोलर की है, बट अगर इंटरलीव फैक्टर हमारे पास 1:1 है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में लिया था, 1:1 अगर इंटरलीव फैक्टर है और साइज हमारा जो है 512 बाइट्स है और टोटल सेक्टर्स पर ट्रैक 17 है, तो अगर पूरा रेवोल्यूशन अगर लेगा और 1:1 में इंटरलीव फैक्टर रखता हूँ तो 8704 बाइट्स को रीड करेगा, मतलब कि हमारे पास 8704 divided by 1024 बिकॉज 1024 से डिवाइड करते हैं, सो इट इज 8.5 किलोबाइट्स डेटा जो है ये रीड कर सकता है एक रेवोल्यूशन के अंदर। बट क्या मेरा कंट्रोलर उतना की कैपेसिटी रखता है? मेरा कंट्रोलर सिर्फ 2K की कैपेसिटी रखता है, ओनली उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2K की है। दैट इज वाई ये चीज फिजिबल नहीं है, 8.5K रीड राइट कर ही नहीं सकता, वो डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उस केस में हमारे को क्या करना है कि क्योंकि कंट्रोलर मेरा 2K पर रेवोल्यूशन रीड या राइट कर सकता है, हमारे को इंटरलीव फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि या तो आप इसको 1/4 कर दो, 1/4 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2K के लगभग आएगा, या फिर अगर 2K के तब भी नहीं आता तो 1/5 करोगे, मीन्स 1:4 इंटरलीव फैक्टर रखो, या फिर 1:5 इंटरलीव फैक्टर हम इसके अंदर रख सकते हैं, सो दैट वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सेक्टर इंटरलीविंग 100% क्लियर हो गया होगा।